अब पिछले 32 साल में जब से इंसर्जेंसी स्टेट में लागू हुई, गन कल्चर आया, क्या हुआ? देर वॉज नो पोलिटिकल और मिलिट्री विजन डिस्क्राइब, देर वॉज नो क्लियर कट डिसीजन गिवन टू द सिक्योरिटी फोर्सेज टू एरेडिकेट मिलिटेंसी इन द वैली। कोई वक्त टाइम लिमिट नहीं दिया गया कि मिलिटेंसी को खत्म किया जाए। The root cause of militancy was not addressed. Ethnic cleansing of Kashmiri Pandits took place. It was not stopped. It was allowed. And rehabilitation of Kashmiri Pandits has not taken place till date. जितने भी डिपार्टमेंट थे जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर, उन्होंने मिलिटेंसी को इंडस्ट्री बना दिया और करप्शन आसमान छू गया। वैली के अंदर अपीजमेंट दिल्ली गवर्नमेंट की चलती रही जब तक जम्मू और लद्दाख को बाई साइड में रख दिया। जम्मू और लद्दाख की डिमांड्स को दिल्ली ने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। कश्मीर पॉलिटिक्स मिलिटेंसी को कैलिब्रेट करने लगी और उसको एक्सप्लॉइट किया। डेमोक्रेटिक जिहाद अनलीश किया गया और जम्मू प्रोविंस को मुस्लिम वोटर से घेरा गया, ये आप सब लोग जानते हैं। इसी दौरान ब्यूरोक्रेटिक फेलियर हुआ और ब्यूरोक्रेसी करप्शन भी हदें पार कर चुका। रोशनी एक्ट को लागू किया गया और जम्मू के लैंड बैंक में से जमीनों को हड़प लिया। पिछले 3 साल में 5 अगस्त के बाद 2019 जो पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक दिल्ली के गवर्नमेंट ने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35 अल्फा के जारी होने से किया, उसको अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकली और मिलिटरली या सोशियो पॉलिटिकली फॉलो नहीं किया गया और वो जो झटका कश्मीर को लगा था उसको टाइम मिल गया कि अपने जख्मों को नरम पट्टी करे और वो शांत हो गया। ये बहुत बड़ा लॉस था। जम्मू रीजन फिर भी दिल्ली नज़रअंदाज करती रही पिछले 3 सालों में भी। जितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या किसी भी डेवलपमेंट के लिए आया वो सब कश्मीर जाता था। इस दौरान क्या हुआ, 3 मोटे स्टेप लिए गए। पीपल्स अलायंस फॉर गुप्कार डिक्लेरेशन ने जन्म लिया कश्मीरवादी के अंदर, जहां सारी कश्मीर पार्टी ने मिलकर घोषणा करी कि हम कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, हम अपनी पुरानी रास्तों पे चलने के लिए जोर करेंगे दिल्ली। इसके साथ साथ लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ने जन्म लिया लद्दाख के अंदर, मगर जम्मू के अंदर ऐसी कोई हरकत ही नहीं, ना कोई डेवलपमेंट काउंसिल बनी ना कोई यूनिटी बनी। ये क्यों हुआ? क्योंकि पॉलिटिकल, सोशल और इंटेलेक्चुअल कमियों के कारण जम्मू एक दूसरी पार्टी के साथ लगे रहे छोटी छोटी पार्टी में और जम्मू में कोई बड़ी रीजनल पार्टी ने जन्म नहीं दिया। इस दौरान पिछले 2 साल में दिल्ली को अगला क्या कदम लेना है जेएंडके स्टेट को इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, उनको समझ नहीं आ रही थी हम क्या करें। तो उन्होंने ऑल लीडर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई दिल्ली में 24 जून 2021 को। वो क्या जाहिर करती थी? पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड पॉलिटिकल डेफिशिएंसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 23 बीजेपी के लीडर्स और वर्कर्स को मौत की घाट उतार दिया गया, 12 कश्मीर में और 11 जम्मू रीजन में। इन पिछले 2 सालों में हिंदू किलिंग्स अब नया तौर एक शुरू हुआ है। पिस्टल के साथ जाके हिंदुओं को मारा जा रहा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो या चाहे बाहर वाली स्टेट का। जो ये एक काउंटर स्ट्रोक लॉन्च किया गया है कश्मीर के अंदर, हमारी मास्टर स्ट्रोक रीएब्रोकेशन और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की बरकरार। जो एडवाइजर चुने गए गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के, वो एक गलत तरीके से चुने गए। उन्होंने भी सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया, वो सब कश्मीर को ही आगे कर रहे थे और जम्मू लद्दाख की तरफ उन्होंने नजरअंदाज किया। एक्स चीफ मिनिस्टर, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं, नए एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स बनाते रहे हाल में 1-2 महीने पहले, और दिल्ली ने उनकी तरफ कोई एक्शन नहीं जारी किया। जम्मू प्रोविंस इस दौरान वहीं का वहीं पड़ा रहा। जम्मू के अंदर 2 आवाजें उठी कि हमारा जो स्टेट अलग बनाया जाए या यूनियन टेरिटरी जम्मू अलग की जाए। मेरी समझ में ये कार्रवाई सोच समझ के नहीं बताएगी, बहुत जल्दी में जम्मू ये स्टेप ले रहा है। जो डोगरा की स्ट्रेंथ है,
जो ताकत है जम्मू रीजन की, उसको प्रायोरिटी पे आगे नहीं किया। रिएक्शन और दिल्ली, ये जितनी पुकारे और मांग दिल्ली जम्मू की रही, दिल्ली ने इसकी तरफ फिर नहीं देखा।